हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। जब सीधे सीधे आंकड़े दिए हों तो बहुलक कैसे निकालते हैं? प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं। तो जो मान सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख ही लेते हैं। एक, दो, तीन, फिर पांच, 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 सात, आठ। पांच चार बार आया है और सात दो बार। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार पांच आ रहा है, तो जो ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक होगा। तो बहुलक आ गया पांच। अभी बहुलक में ही दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि सारणी के रूप में दिया हुआ है। x के मान दिए हुए हैं, f का मान दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वही, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बारंबारताएं यहाँ पर छः है। तो सबसे अधिक बारंबारता छः है और उसके संगत मान कौन सा है? पांच। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो बहुलक हमारे पास पांच होगा, यही उत्तर है। इस प्रश्न में भी बहुलक ज्ञात करना है, परंतु इस प्रश्न में हमें वर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्ग देखेंगे। सभी वर्ग बराबर हैं? हाँ, सभी बराबर हैं। सब में पांच पांच का अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ 16 है। उसके आगे हम F1 लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या को F0 और नीचे वाली को F2। सबसे ज़्यादा बारंबारता थी उसके सीध में यूँ याद रखने के लिए एक निशान लगा देंगे, एक टी शेप बना लेंगे डॉटेड करके, ताकि प्रश्न करते समय कोई गलती की संभावना ना रहे। तो जो जो हमें मान अभी हमने निकाले हैं वो लिख लेते हैं। F0 7, F1 16 हैं, F2 12 हैं। उससे पहले हम देख लेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है। ये है 20 से 25। फिर लोअर लिमिट देखेंगे। L बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा 20, और H का मान वर्ग में अंतर कितना है? पांच। बहुलक का सूत्र लगाएंगे अब। L प्लस, ये ध्यान रखेंगे कि भाग की जो निशान है सीध में आएगा, ऊपर आएगा F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसी की सीध में मल्टीप्लाई H।
याद रखने का तरीका, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दस दस दो, यहाँ दो है तो यहाँ शुरू में भी दो है, ये ध्यान थोड़ा कंफ्यूज ना है बस, अगर सूत्र याद नहीं रह रहा तो दस दस दो करके आप ध्यान रख सकते हैं। अब मान रखेंगे एल का मान बीस प्लस वही भाग का निशान सोलह माइनस सात दो, एफ वन का मान सोलह माइनस एफ ज़ीरो का मान सात माइनस एफ टू का मान बारह इंटू एच का मान यहाँ पाँच है, बीस प्लस नौ बटा में बत्तीस माइनस उन्नीस इंटू पाँच। इसको हल करेंगे तो बीस प्लस पैंतालीस बटा में बत्तीस में से हमें उन्नीस को घटाना है तो ये तेरह आ जाएंगे। सॉल्व करने पर बीस प्लस तीन पॉइंट चार छः, तो अंतिम उत्तर हमारे पास तेईस पॉइंट छियालीस हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा।